अस्सलाम वालेकुम, आई एम नूर फातिमा। टुडे माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज वुमेन राइटर्स ऑफ द विक्टोरियन एरा। फर्स्ट फीमेल राइटर इमेली ब्रोंटे। इमेली ब्रोंटे वाज बोर्न ऑन जुलाई 13, 1818 इन इंग्लैंड एंड डाइड ऑन डिसंबर 19, 1848। शी वाज इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड पोइट। इन 1844 इमेली कंपाइंड लेबर्ड हर पोएम्स इनटू टू नोटबुक। वन वाज लेबर्ड 1844 में से जो अपनी जितनी भी पोएम्स लिखी थी उन सबको इकट्ठा किया और को टू नोटबुक्स में डिवाइड किया और उनको एक नाम दिया, गोंडाल पोइम्स। हिज फर्स्ट एंड ओनली नॉवल वर्थरिंग हाइट्स पब्लिश्ड इन 1848। इसका जो नॉवल था वर्थरिंग हाइट्स वो पब्लिश हुआ 1848 में और ये जो है वो जानी जाती है अपने इस नॉवल की वजह से, क्योंकि ये बहुत फेमस नॉवल हुआ था। वर्थरिंग हाइट्स थीम्स जो उसने अपने वर्क्स में यूज़ की थी, इसने लव एंड पैशन पर लिखा, नेचर पर लिखा, गॉथिक एंड सुपर नेचुरल पर लिखा एंड रिवेंज, ये इसकी थीम्स हैं इसके वर्क की। सिग्निफिकेंस यूनिक राइटिंग स्टाइल। ब्रोंटे का राइटिंग स्टाइल था वो यूनिक था। ब्रोंटे नॉवल सेलिब्रेटेड फॉर इट्स डार्क एंड पैशनेट नैरेटिव स्टाइल विच वॉज अनकन्वेंशनल फॉर अ टाइम। एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। वर्थरिंग हाइट्स के जो थीम्स थे वो लव था, रिवेंज, ह्यूमन साइके, जेंडर एंड सोशल बैरियर्स। एज अ फीमेल राइटर 19th century इमेली ब्रोंटे चैलेंज सोसाइटियल नॉर्म्स एंड मेड हर मार्क। इसने जो सोसाइटी सोशल नॉर्म्स पे दिखा, सोसाइटी पे काम किया और वुमेन्स को जो इस टाइम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं जाती दी जाती थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो इसने वुमेन्स के बारे में लिखा कि वुमेन्स जो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, उनको जो है जेंडर इनइक्वलिटी को ख़त्म किया जाए, उनको राइट्स दिए जाए। सेकेंड फीमेल राइटर शार्लेट ब्रोंटे। शार्लेट ब्रोंटे वॉज बोर्न ऑन April 21, 1816 इन इंग्लैंड एंड डाइड ऑन March 13, 1855। ही वॉज इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड पोइट। फेमस वर्क जेनी आयर, जिसका फेमस वर्क था वो पब्लिश हुआ 1847 में, इसका जो है फेमस वर्क था वायलेट 1853 पब्लिश हुआ था 1853 में। शी रॉट हर नॉवल शार्ले एंड 1849 पोएम बाय कुरियन एलिस एंड एक्शन बेल 1846। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटन बाय द ब्रोंटे सिस्टर। ये जो इसका वर्क था एलिस एंड एक्शन बेल, ये जो 1846 में पब्लिश हुआ और ये जो है थ्री ब्रोंटे जो सिस्टर्स थी उन्होंने मिल के लिखा था। शार्ले, एमिली एंड एनी, ये थ्री सिस्टर्स थी, उन्होंने सब ने मिल के लिखा ये वर्क। थीम्स, हियर आर सम प्रोमिनेंट थीम्स इन शार्ले ब्रोंटे वर्क। लव एंड पैशन पे लिखा, आइसोलेशन, रिलीजन्स एंड मॉरलिटी पे इसने लिखा अपने वर्क में, गॉथिक एलिमेंट्स यूज़ किए अपने वर्क में, नेचर एंड सुपर नेचुरल यूज़ किए अपने वर्क में। सिग्निफिकेंस ब्रोंटे वर्क जेनी आयर जो था वो कंसिडर्ड मास्टर पीस से कहा जाता है। फेमिनिज्म, शार्लेट ब्रोंटे राइटिंग ऑफ्टन एक्सप्लोर दिस कंसर्न। इसने जो है फेमिनिज्म पे लिखा, वुमेंस को, वुमेंस के बारे में लिखा कि वुमेंस को उनके राइट्स दिए जाए, जेंडर अनइक्वलिटी को ख़त्म किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए। थर्ड है एनी ब्रोंटे। एनी ब्रोंटे वॉज बोर्न ऑन 17 January 1820 एंड डाइड ऑन May 28, 1859। शी वॉज इंग्लिश नॉवलिस्ट पोइट। ये यंगेस्ट है, जो है यंगेस्ट सिस्टर थी ब्रोंटे सिस्टर्स की। हर फर्स्ट नॉवल एगेंस्ट ग्रे वॉज पब्लिश्ड इन 1847। इसका ये नॉवल था एगेंस्ट ग्रे, पब्लिश हुआ 1847 में। इसका जो सेकेंड नॉवल था द टेनेंट ऑफ वाइटफेल, इस बार पब्लिश इन 1848। एनी ब्रोंटे वॉज डीपली रिलीजियस, जो है रिलीजियस पर्सन थी एनी ब्रोंटे। थीम्स, फेथ पे इसने लिखा, मॉरेलिटी पर लिखा, रिलीजन स्परिचुअलिटी पर लिखा, लव, नेचर एंड रोमांटिसिज्म, ये थीम्स हैं कुछ इसके वर्क के। फेमस वर्क द टेनेंट ऑफ वाइटफेल हॉल 1848 में पब्लिश हुआ। एग्नेस ग्रे ये 1847 में पब्लिश हुआ। पोएम्स द ब्लू बेल एंड द लाइन्स कंपोज इन अ वुड इन ऑन अ विंडी डे, ये भी इसकी जो पोएम्स हैं। फोर फीमेल राइटर जो है क्रिस्टिना रोसेटी। क्रिस्टिना रोसेटी वॉज बोर्न ऑन December 5, 1830 इन लंडन एंड शी डाइड ऑन December 29, 1894। ही वॉज अ इंग्लिश पोइट और विक्टोरियन एरा। इसने जो पोएम्स लिखी थी वो रोमांटिक पोएम्स थी, डिवोशनल थी एंड चिल्ड्रंस पोएम्स भी इसने लिखे थे। चिल्ड्रन पोएम्स पे काम किया, डिवोशनल पोएम्स पे काम किया। सिग्निफिकेंस फीमेल पोइट रोसेटी वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पोइट हर टाइम। ए वुमेन फेस्ड मैनी चैलेंजेस गेनिंग रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट इन द, ये भी फीमेल पोइट थी,
प्री रेफलाइट इन्फ्लुएंस रोस्टी फास्ट एसोसिएटेड विद द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट एंड वर्टर्स इमोशनल इंटेंसिटी रोस्टी पोइट्री इज नॉन फॉर इमोशनल डेप्थ इसकी जो इमोशनल इसकी जो पोइट्री में जितनी इमोशनल डेप्थ थी इंटेंसिटी थी शिद्दत थी एक फेमस वर्क गोब्लिन मार्केट जो पब्लिश हुआ 1862 में द प्रिंस प्रोग्रेस ये जो वर्क इसका पब्लिश हुआ 1866 में अब पेगेंट ये जो वर्क पब्लिश हुआ 1881 में थीम्स रिलीजन क्रिश्चियन रोसेटी रॉट मैनस पोएम्स रिलीजियस टॉपिक इंक्लूडिंग फेथ सेल्वेशन एंड डिवाइन लव नेचर लव डेथ एंड मॉरलिटी फेमिनिज्म उसने जो है बहुत सी पोएम जो है वो रिलीजियस फेथ पे लिखी सेल्वेशन पे लिखी डिवाइन लव के बारे में लिखा सेकेंड नेचर के बारे में इसने लिखा कि नेचर जो है कितनी खूबसूरत है अपनी पोइट्री में नेचर के बारे में लिखा लव पे लिखा सोरो जॉय ये इनके वर्क्स में इसने मिलता है हमें थीम मिलती है डेथ एंड मॉरलिटी पे इसने लिखा डेथ एंड मॉरलिटी की थीम मिली थी हमें इनके वर्क में फेमिनिज्म फेमिनिस्ट राइटर्स थे तो उसने वुमेन के बारे में लिखा जेंडर इनइक्वालिटी को डिस्कस किया अपने अपने वर्क में लास्ट वाइफ जॉर्ज एलियट वॉज बोर्न ऑन 22 नवंबर 1819 इंग्लैंड जॉर्ज एलियट पास्ड अवे दिसंबर 22 1818 जॉर्ज एलियट इसका जो पेन नेम था वो मैरी एन एवेंस था ये जो एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थी लीडिंग राइटर ऑफ द ग्रेट राइटर ऑफ द विक्टोरियन एरा शी वॉज इंग्लिश नॉवेलिस्ट थी पोइट थी और ट्रांसलेटर भी थी सिग्निफिकेंट जॉर्ज एलियट वॉज सबमर्ज इन विक्टोरियन एरा वुमेन वर नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस शी रॉट अबाउट द वुमेन्स राइट विक्टोरियन एरा में वुमेन्स को जो है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी तो उसने वुमेन्स के राइट के बारे में लिखा और शी रॉट अगेंस्ट द टेबू उसने ये टेबू के अगेंस्ट लिखा मीन्स टेबू मीन्स वुमेन्स जो है वीक है दिस इज अ टेबू शी रॉट अगेंस्ट द सुपरफिशियल मॉरलिटी पर लिखा एलियट राइटिंग स्टाइल रेवोल्यूशनरी फॉर हर टाइम थीम्स हमें नेचर एंड मॉरलिटी पर लिखा सोसाइटी क्या जेंडर एंड फेमिनिज्म पे लिखा है रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी की थीम हमें मिली इनके वर्क में एजुकेशन नॉलेज पे लिखा कि एजुकेशन कितनी ज़्यादा जरूरत है ज़रूरी है फीमेल्स के लिए इसने उस पर लिखा फेमस वर्क मिडिल मार्च के जो उसका वर्क है पब्लिश हुआ 1871 में सिलस मार्नर ये के पब्लिश हुआ 1861 में सिलस बेडी ये वर्क जो है पब्लिश हुआ 1859 में मेजर पोइट ये जो है पोइट भी थी तो एज अ पोइट जो उसके वर्क हैं द स्पेनिश जिप्सी 1860 में पब्लिश हुई पोइम आगा था 1869 में पब्लिश हुई द टू लवर्स 1866 में पब्लिश हुई ये पोइम थैंक यू